नमस्कार मेरे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जेल में बंद कैदियों के लिए मानवता के आधार पर, मानवाधिकार के आधार पर और उनके परिवार के आग्रह के आधार पर उनसे वंश वृद्धि की उम्मीद और उनको वंश वृद्धि का अधिकार देने के आधार पर उनको एक बहुत बड़ी रियायत देने की शुरुआत हो रही है भारत में। हालांकि ऐसा यूरोपीय देशों के कई देशों में यह नियम लागू किया जा चुका है, लेकिन भारत में ऐसी पहल पहली बार की जा रही है कि वंश वृद्धि के लिए परिवार के लोगों की आवेदन पे और पत्नियों के जो मानवाधिकार है उसके तहत उनको पत्नियों के साथ वक्त बिताने का समय दिया जा रहा है। पंजाब सरकार ऐसा कदम उठाने जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पंजाब सरकार ने राज्य की जेलों के नियमों में बदलाव करते हुए सराहनीय पहल किया। अब जेल में बंद कैदी अपनी पत्नी से मिलने दिया जा सकता है। दरअसल में पंजाब के अधिकतर युवा जो शादी के बाद ही बगैर किसी संतान उत्पत्ति के जेल में बंद है और एक लंबी उम्र के लिए जेल में बंद है, तो उनके परिवार वालों का यह अनुरोध था, उनकी पत्नियों का यह निवेदन था कि पत्नी का एक मानवाधिकार के आधार कहा गया था कि इसमें हमारा क्या कसूर है, हमें वंश वृद्धि क्यों नहीं करने दिया जा रहा, हमें परिवार का सुख क्यों नहीं लेने दिया जा रहा है। तो उस स्थिति को विचार करने के लिए पंजाब सरकार ने यह कदम उठाया था, जिसे लेकर कैदी पतियों और पत्नियों ने कोर्ट में याचिका लगाई थी और जिसके बाद पंजाब सरकार ने चुनिंदा जेलों में पति पत्नियों को प्राइवेट स्पेस देने की पहल की शुरुआत कर दी। क्योंकि अगर मानवता का धर्म दिया जाए और मियों का या इन कैदियों का, जिसके तहत यह रिट सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा रही है, लेकिन जहां तक मानवता की बात करें तो उन पत्नियों के पक्ष में यह बात जायज हो सकती है कि उनको भी वंश वृद्धि का और उनको भी विवाह उपरांत अपने परिवार को आगे बढ़ाने का अवसर दिया जाना चाहिए। क्योंकि एक समय पश्चात जब पति जेल से निकलेगा तब समय बीत चुका होगा और उनको वंश वृद्धि करने का समय नहीं मिल पाएगा। इस आधार पर आप देख सकते हैं कि जेल में पति पत्नी को मिलेंगे प्राइवेट कमरे। दरअसल में इस समस्या से जूझ रही महिलाओं ने कोर्ट में याचिका लगाई थी। उनकी मांग थी जेल में बंद कैदी पति उनसे मिलने दिया जाए ताकि वह अपने वंश को आगे बढ़ा सके। पंजाब ने पति पत्नी प्राइवेट स्पेस देने के लिए उनकी पत्नी को 2 घंटे के लिए मिल सकते हैं, यानी कि उस प्राइवेट स्पेस में पति और पत्नी 2 घंटे के लिए मिल सकते हैं और वो 2 घंटे उनका प्राइवेट रूम होगा और वो उसके लिए स्वतंत्र हैं। अब जहां तक बात करें इसमें मानवाधिकार की बात करें तो मानवाधिकार का उल्लंघन या मानवाधिकार किस मानवाधिकार के तहत कोर्ट में अपील की जा रही है, यह जब हाई सुप्रीम कोर्ट में या रीट दायर की जाएगी या जब इसके सेट, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है, फिर इस पे कानून बनेगा, जब कानून बनेगा तो किन किन धाराओं के तहत इसमें संशोधन किया जा सकता है उसके बारे में देखेंगे। लेकिन जो सारे कैदी हैं उनको यह रियायत नहीं मिलेगी, जो विशेष प्रकार के कैदियों हैं उनको आप देखिए किनको यह रियायत नहीं मिलेगी, इन लोगों को नहीं मिलेगा मौका। जेल में बंद कैदियों में उन आपराधिक को पत्नी के साथ वक्त बिताने का मौका नहीं मिलेगा जिन पे गैंगस्टर या रेप का आरोपी है, यानी कि कोई गैंगस्टर एक्ट के तहत या रेप के तहत अगर अरेस्ट किया गया है तो उनको यह मौका नहीं मिलेगा। और अन्य कैदियों को अपनी पत्नी से मिलने के लिए जेल प्रशासन को एप्लीकेशन देना पड़ेगा, यानी एप्लीकेशन देना पड़ेगा, एप्लीकेशन की अर्जी मंजूर होने पर। यहाँ पे भी डिपेंड करता है कि जेल में कैसा व्यवहार कर रहे हैं आप, यानी कि एक तरह से कैदियों के सुधार की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जा सकता है, क्योंकि अगर कैदी अपनी पत्नी से मिलना चाहते हैं तो जेल में उनको अच्छे व्यवहार को अपनाना पड़ेगा। अगर अच्छे व्यवहार अपनाएंगे तभी उनको उनके एप्लीकेशन में विचार किया जाएगा। एक तरह से एक सुधारवादी प्रवृत्ति है और ऐसा किया जा रहा है और एक पहल की जा रही है, हो सकता आने वाले समय में देश के अन्य जेलों में और अन्य राज्यों द्वारा भी ये किया जा सके। यहाँ पे अर्जी मंजूर होने पर 2 घंटे के लिए अपनी पत्नी के साथ जेल के अंदर ही अलॉट एक पर्सनल रूम मिल सकेगा जहां डबल बेड टेबल और अटैच बाथरूम होगा, यानी कि यह सुविधाएं जेल में प्रदान की जाएगी। इसके लिए जेल के इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके स्ट्रक्चर में भी परिवर्तन किया जाएगा, लेकिन एक अनोखी और एक अच्छी पहल है। लेकिन कोई भी नियम या कोई भी कानून तब तक हमारे लिए अच्छा होता है जब तक हम उसका मिसयूज न करें, मिसयूज करने के पश्चात वह हमारे लिए ही एक अभिशाप बन जाता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।